नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं टॉपिक स्टडी एंड ये मेरा आज का पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करेंगे एंड बहुत लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे। एक लाइन है जो मेरे पे बहुत फीड बैठती है, दैट इज़ इफ़ आई कैन यू कैन टू। मेरे को दोस्तों 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए बैंकिंग SSC रेलवेज़ को और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ऐसा मैं सोच नहीं सकता था एंड आज मैं पहुँचा। सो टू ऑल द पीपल, ऑल द फ्रेंड्स जो कि ये सेशन देख रहे हैं, गाइज इफ़ आई कैन यू कैन टू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन ऑल द करंट अफेयर्स जो कि बन सकती हैं, वो सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, RRB, NTPC, ग्रुप डी, रेलवेज़, SSC या फिर बैंक आपका क्यों ना हो। तो चलो शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे पहले सवाल पर, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, जो कि ये रहा आपके सामने। दोस्तों इस सवाल का जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन ये है, GDP of India for financial year 2018-19 was 6.8%. What is the GDP growth estimated in 2019-20 by economic survey? जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार आपका कितना फिजिकल डेफिसिट, जिसे आप वित्त कोषीय घाटा कहते हैं, वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों इसका जो जवाब आपके सामने आ जाएगा वो जवाब आपके सामने है ऑप्शन सी, जो कि है 7%। अगर हम यहाँ पर बात करें एंड डिस्कस करें कि बेसिकली आपका ये फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट आपका होता क्या है, तो दोस्तों पहले तो आप एक बार पढ़िएगा इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका, उसमें जो भी आपका बजटरी डेफिसिट है, जो बजटीय घाटा है, इस घाटे में से जो आपका एक टोटल डेफिसिट है उससे हम माइनस करेंगे टोटल रिसीट को और यहां पर हम एक तरह से प्लस कर देंगे बोरोइंग्स को। ये फॉर्मूला जनरली SBI में आता है, ये रेलवे में फॉर्मूला नहीं आता, पर रेलवे में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर सवाल ज़रूर बनेगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इस साल का उसमें कितना आपका फिजिकल डेफिसिट रहा, जो कि है अब आपका 7%, मतलब करीब 0.2% आपका ये रेट जो है वो आगे बढ़ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सामने आपका ये रहा, सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार कौन से आत्मनिर्भरता के की इंग्रेडिएंट्स हैं, आत्मनिर्भरता के जो चक्र हैं इनमें से प्रमुख घटक उसके कौन से हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे को इस साल, तो इसका आंसर आप दे पाओगे। इसको जब इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, वो बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि जो CEA हैं वो बेसिकली आपके इस समय कौन है, इस पे भी आपको एक जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये सर्वे आपका हमेशा बजट से एक दिन पहले आता है। तो सवाल है कि इनमें से व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सेल्फ सस्टेनिंग वर्चुअल साइकिल, आत्मनिर्भर चक्र के लिए प्रमुख घटक इनमें से क्या हैं। और दोस्तों इसका जो आपके सामने उत्तर है, वो उत्तर आपके सामने है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे, चाहे इंश्योरिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो, चाहे एम्फसाइजिंग लीगल रिफॉर्म्स हो, चाहे प्रेजेंटिंग डेटा एज पब्लिक गुड हो, ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो सेल्फ सस्टेनिंग वर्चुअस साइकिल है या जो आत्मनिर्भर चक्र है उसके घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा एंड मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो एक जनरल फिजिकल डेफिसिट है वो आपका कितना है, आपके सामने ऑप्शन है 5%, 5.3, 5.5 या फिर 5.8। इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ऑप्शन 4, जो कि है 5.8%। ये फिजिकल डेफिसिट है, अगेन ये आपका काफ़ी बढ़ चुका है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो ये अच्छी बात है, और अगर किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो ये हमेशा एक गलत बात है। कोशिश करनी चाहिए कि समय के साथ, मतलब 19 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 21 तक, द फिजिकल डेफिसिट या वित्त कोषीय घाटा जो है उसका कम होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। इटली ने
इटली को अपना 55वां विश्व धरोहर स्थल मिला। सवाल है इस स्थल का नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द 55th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इटली। आपके सामने चार ऑप्शन भी हैं और दोस्तों इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है प्रोसेस्को हिल्स। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक हेरिटेज साइट होती क्या है, तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा साइट, एक ऐसा शहर, एक ऐसा एरिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशन के तौर पर, कल्चरली कल्चर के तौर पर, या फिर उसकी एक खुद की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। चाहे हम कुशीनगर की बात करें, चाहे हम ग्रेट हिमालयन पार्क की बात करें, चाहे हम रानी की वाव की बात करें, इंडिया के हैं, और चाहे हम ओरछा की बात करें, ओरछा को हाल ही में जो लिस्ट होती है आपकी प्रोविजनल उसमें चुना गया, तो उसी लिहाज से जो इटली का 55th आपका विश्व धरोहर स्थल है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपके सामने है दी प्रोसेस्को हिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगले सवाल पर। सवाल बहुत रेलिवेंट सा है। धिंग एक्सप्रेस विच क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर्स रेस इन 23.97 सेकेंड्स एट द कुटनू एथलेटिक्स मीट। सवाल है ये एथलेटिक्स मीट आपकी दोस्तों कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर ये मीट आपकी यहाँ पर हुई। आपके सामने चार ऑप्शन भी हैं और दोस्तों इसका जो आपके सामने आंसर है वो है पोलैंड में आपकी बैठक हुई थी। जो लोग नहीं जानते हैं कि ढिंग एक्सप्रेस आपका कौन है, तो बेसिकली इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास वॉज द फर्स्ट एथलीट, ये भारत की पहली एथलीट थी जिनको IAAF जो कि संस्था है एथलेटिक्स की वर्ल्ड वाइड, उसकी जो अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप थी जो कि आपकी फिनलैंड में हुई थी, वहाँ पर इन्होंने हमें जितवाया था एक गोल्ड मेडल। तब से लेकर अब तक ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। अगर हम बात करें हिमा दास की, तो हिमा दास वो एथलीट हैं जिनको जो 2018 के एशियन गेम्स थे उसमें भी इनको सिल्वर मेडल मिला इंडिविजुअल इवेंट में, जहां पर इन्होंने हमें सिल्वर मेडल दिलवाया था 400 मीटर के अंदर। तो ढिंग एक्सप्रेस को आप जो ये नाम है, ये नाम दिया गया है टू हिमा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगले सवाल। A city founded by Maharaj Savai Jai Singh II has made an official entry in the World Heritage Site. इस शहर का नाम क्या है? And इसका उत्तर आपके सामने है Option 3, that is जयपुर। अगर हम यहाँ पर बात करें इस सवाल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ फिर से एक चीज़ जो आपके सामने आई है, वो चीज़ आई है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिरकार क्या होता है, वो ऑलरेडी मैं बता दिया आपको। अगर हम बात करें इसी के मद्देनज़र, तो एवरी ईयर 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, और इस साल का जो वर्ल्ड हेरिटेज डे था उसका जो थीम आपके सामने था वो था रूरल लैंडस्केप। वो थीम इस बार इस पर्टिकुलर डे के लिए कहा गया था। और ये कब मनाया जाता है आपका, हर साल ऑन द 18th of April, हर साल 18 अप्रैल को ही इसको दोस्तों मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा एंड वीडियो को आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति ने 10 भाषाओं में विवेका दीपनी नामक पुस्तक का विमोचन किया, ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट मैं आपको दे दूँ, टॉपिक स्टडी के अंदर हम दोनों भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी कि सर हिंदी ज़्यादा है इंग्लिश ज़्यादा है, उन दोनों पर हमने यहाँ पर फोकस किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो उत्तर आपके सामने है वो है ऑप्शन ए जो कि है आदि शंकराचार्य, इसका यहाँ पर सही जवाब है। अगर हम बात करें इस किताब की, तो ये जो किताब है जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विवेकादीपिनी। बेसिकली ये 36 वर्सेस से बनाई गई है, 36 छंद हैं जिसको लिया गया है, और ये वर्सेस जो आपके हैं ये लिए गए हैं फ्रॉम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, इससे ये आपके 36 छंद लिए गए हैं, और इसको लिखा है शंकराचार्य ने, जो कि 8वीं सदी के आपके एक फिलोसोफर थे, और इनकी एक बहुत ही फेमस सिद्धांत था, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत, इसका नाम था अद्वैत वेदांत, उसको देने वाले भी यही आपके एक फिलोसोफर थे जिनका नाम है आदि शंकराचार्य। चलिए आगे चलते हैं, और ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। सवाल है अरिंजिता दे जिनको सिल्वर मेडल मिला 2019 के वर्ल्ड यूथ कप में, ये किस राज्य से हैं? तो पहले उसका आंसर दिखा देते हैं, इसका आंसर आपके सामने है वेस्ट बंगाल, यहाँ से हैं। सबसे पहली बात, ये यूथ कप है क्या? ये यूथ कप ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने,
और जाहिर सी बात है ये कराटे खेलते हैं, जिनका नाम है अरिजिता डे, ये कराटे खेलते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड यूथ कप है आपका, ये हुआ था इन उमाग क्रोएशिया, यहाँ पर ये कप आपका हुआ था, जहाँ पर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल 2019 के यूथ कप के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फैशिनोवा जो कि भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर है, इसको हाल ही में कहाँ पर दोस्तों शुरू किया गया? इसका उत्तर आपके सामने है, वो है ऑप्शन बी सी जो कि है सूरत। यहाँ पर कुछ और नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना है कि सूरत में आपका ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल कौन सी तारीख मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स टू बी सेलिब्रेट दी नेशनल डॉक्टर्स डे? इसका उत्तर आपके सामने है जुलाई 1। जुलाई 1 को दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस दिवस के अंदर, तो ये दिवस मनाया जाता है, ये जो आपका दिवस है ये मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ BC Roy। BC Roy एक डॉक्टर भी थे, साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल के दूसरे CM भी थे, ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी इसके यहाँ पर रहे थे। और इन्हीं को 1961 में बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट, इनका जो लाइफ है उस वजह से इनको भारत रत्न से भी नवाजा दोस्तों गया था। तो इनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल आपका वर्ल्ड डॉक्टर डे। कब होता है आपका? जुलाई 1 को। वैसे तो हर देश में होता है, पर इंडिया में ये आपका होता है जुलाई 1 को। आगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले इनमें से कौन से खिलाड़ी है? पहली बात तो याद रखिएगा रिकॉर्ड, खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, वो है इकरम अली खील। जवाब से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ये रिकॉर्ड था क्या। रिकॉर्ड कुछ यूँ था कि तेंदुलकर ने करीब 27 साल पहले, और अगर हम बात करें तो उन्होंने एक 18 वर्षीय लड़के के रूप में इन 18 ईयर्स ऑफ एज इन अ वर्ल्ड कप उन्होंने स्कोर किए थे 84 रन्स, और ये एक हाईएस्ट स्कोर था बाय एनी वन इन ए वर्ल्ड कप हु इज़ 18 ईयर्स और बिलो। ये स्कोर उनका था 84। पर इकरम अली खील, जिसका उत्तर मैं दे दूँ आपको, जो कि एक अफगानिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन्होंने 18 वर्ष में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ ही स्कोर्ड 86 रन्स इन 29 बॉल्स, और इसी के साथ जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था विच वॉज मेड बाय सचिन तेंदुलकर, जो कि था सबसे बड़ा स्कोर 18 ईयर्स की एज में वर्ल्ड कप में, उसको उन्होंने यहां पर तोड़ा। ये अच्छा स्कोर था, पर अफगानिस्तान ये मैच भी हार गई और उसने कोई भी मैच नहीं जीता इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में नीति आयोग का 2019 का जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मा फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स है उसमें टॉप किया? इसका उत्तर आपके सामने है जो कि है महाराष्ट्र, इसने टॉप किया है। महाराष्ट्र के बाद इस रैंक के अंदर आपका गुजरात आया, और गुजरात के बाद इस रैंकिंग में आपके क्लोज थर्ड फोर्थ थे राजस्थान और MP, ये क्लोज थर्ड फोर्थ पर आपके सामने आए। ये जो एक सूचकांक है, जो इंडेक्स है, ये फोकस करता है कैसे एक स्टेट जो कृषि संबंधी मार्केटिंग है या जो फार्मा फ्रेंडली नीतियां हैं उनको लाता है। आगे बढ़ते हैं। अति वरादार महोत्सव या अति वरादार फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस राज्य ने इसको ऑर्गेनाइज किया था हाल ही में? सिंपल सवाल है, इसका आंसर आपके सामने है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों ये आपका फेस्टिवल जो है इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा कि इनमें से PSF ने कौन सा ऑपरेशन दोस्तों लॉन्च किया है जो कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन, जो कि पाकिस्तान की सीमा के साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए ये किया गया है? कैसे हम रोक पाएं इन्फिल्ट्रेशन को फ्रॉम पाकिस्तान, ये सवाल यहां पर है। एंड इसका उत्तर आपके सामने है ऑप्शन, इसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, इसका उत्तर आपके सामने है जो कि है ऑप्शन सी, जो कि है ऑपरेशन सुदर्शन, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। अगर हम BSF की बात करें दोस्तों, तो BSF जो है ये 1965 में दोस्तों आपका शुरू हुआ, हेडक्वार्टर्स इसके नई दिल्ली के अंदर हैं, और अभी इसके जो हेड हैं जिसको हम डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं उनका यहाँ पर नाम है रजनीकांत मिश्रा, नाम तो याद कर ही लोगे, ये इनका यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसने ही लॉन्च किया था ऑपरेशन आपका सुदर्शन। ठीक, तो आई होप ये जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने।
इनमें से कौन से देश ने हाल ही में 1200 मिलियन डॉलर्स की लागत से इंडिया की मदद से वहाँ पर पहला मॉडल विलेज, पहला आदर्श गांव दोस्तों स्थापित किया है? एंड इसका जो आंसर आपके सामने है वो है, इसका आंसर आपके सामने है वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने ये कारनामा किया जहाँ पर कि 1200 मिलियन की फंडिंग के बाद पहला मॉडल विलेज यहाँ पर सेटअप किया गया। चलिए, तो दीज वर द क्वेश्चंस गाइस, आई होप आपको सवाल यहाँ आगे होंगे। हम इस वीडियो के कंटेंट पर और मेहनत करेंगे ताकि जो भी लोग, वेदर ही इज़ फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और हमारे वो नॉर्थ साइड के भाई हैं, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर हम ये दे पाएँ। पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सब बड़ी मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे, लगातार ये वीडियो को देंगे, सातों दिन 365 दिन, 7 डेज अ वीक, 365 डेज इन एन ईयर, इस वीडियो को लगातार चलते रहेंगे। एंड इन द एंड एक बार आपसे कहना चाहूँगा, अगर हिम्मत है तो जीत पक्की है। If you have the courage, then you will surely win. With this, आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं अब आपसे सुबह, हम फिर आपसे 10-15 मिनट के बाद 8 बजे 7 बजे हमारे करंट अफेयर शो के अंदर। तब तक धन्यवाद।